हुसैन की तरफ से मैं कर देती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? और आज जो है ना, हम लोगों का आए हैं गिफ्ट। हम लोगों की तो नहीं सर, मेरे प्यारे प्यारे दोनों लड्डू पेड़ों के आए हैं। असल में जो है ना, मेरी जो आनी हैदराबाद में रहती है ना, अलवाज और हादी की मम्मा, वो जो है वो गई थी कराची किसी काम के सिलसिले में। तो कराची वाली जो मेरी आनिया है ना, उन लोगों ने और मेरी कजन ने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भेजे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर किए जाए। क्यों भाई असल? और अभी तक हमने खोल के भी नहीं देखे। वो ऐसे के ऐसे ही शॉपर रखा हुआ था। अभी अभी हादी आया था और बच्चा ऐसे ही आया और चला गया, क्योंकि मैं काम में मसरूफ थी। तो कहने लगा हसन भी नहीं था, हसन ट्यूशन में थे, तो बस वो बच्चा यूं ही चला गया। और अब जो है ना, हम करते हैं यहाँ गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, क्योंकि कुछ गिफ्ट्स आए हैं। अच्छा, ये जो है ना, मेरी खाला जानी की बड़ी बेटी है, लारेब उसका नाम है। वो माशाल्लाह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम लोग बहुत अच्छे से साथ साथ रहे हैं। और हम लोगों की शादियां भी जो है ना, बस कुछ अरसे के गैप से ही हुई है, और बच्चे भी तकरीबन एज वाइज जो है ना, वो सेम ही है। तो हसन अभी पानी पीने गया है। और ये है कि मैं बता रही थी कि मेरी जो कजन है ना, हम लोगों की एजेस भी सेम है, और हमारे बच्चों की एजेस भी जो है ना, वो बिल्कुल सेम ही है, तकरीबन सेम ही है। और ये है कि जब हसन का भी कायदा मुकम्मल हुआ ना, तो उसको इतनी ज्यादा खुशी हुई माशाल्लाह से, और बाकी सबको भी बहुत खुशी हुई। तो उसने कहा कि उसने आनी के हाथ हसन के लिए स्पेशली गिफ्ट भेजा, और बहुत सारी दुआएं दी आनी ने, खाला जानी ने, सब ने माशाल्लाह बहुत दुआएं दी। लुबना पुप्पोना ने इतनी ज्यादा, उनका उसी वक्त मैसेज आया था, उनकी भी कॉल आई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जब कायदा मुकम्मल हुआ था हसन का। तो माशाल्लाह उनकी भी इतनी ज्यादा जो है ना, दुआएं वगैरह आई, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने भी इतनी ज्यादा दुआएं दी हसन को माशाल्लाह, और हुसैन को भी, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना, हम गिफ्ट खोलते हैं, जो कि अभी खोलते हैं। अच्छा, मैं बहुत बातें कर रही हूँ भाई, अब जो है ना मैं गिफ्ट खोल रही हूँ, क्योंकि हसन से इंतजार नहीं हो रहा। तो ये जो गिफ्ट है ना, ये है, ओहो नहीं, सूट नहीं है, ये है कपकेक। कौन कौन सा? ये लारे मामी ने भेजा है आपके लिए, आप दोनों के लिए। स्पार्कल्स वाला कपकेक। आजा उसे अच्छा भी देते हैं, पहले सारे खोल तो ले, मेरे दोनों बेटों के कॉल पड़े। वो कपकेक, ये लो सर, लो सर। अच्छा चलो, बाद में खा लेना। अच्छा, अभी जो है ये है प्यारा सा बैग, स्पाइडरमैन वाला। वाह भाई हसन, ये तो बहुत प्यारा बैग है। और ये आपको आनी ने भेजा है। अच्छा है ना?
बस ये थे आप लोगों के साथ मैंने गिफ्ट शेयर करे, तो इंशाल्लाह ताला अभी आगे देखते हैं ब्लॉग में। हाँ जी लीजिए लीजिए तो जी सबने यहाँ हमें गिफ्ट भेजे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और सबका थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने जो है बिरयानी का मसाला बनाने रखा था क्योंकि आज मैं बना रही हूँ तेह वाली बिरयानी, तो बीफ के गोश्त में बना रही हूँ और यहाँ ना ये गोश्त जो है बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ हो रहा है, तो इसको पहले अच्छी तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि ये जो है ना इतनी देर लगाएगा। तो पानी डाल के मैंने ढक के गलने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और अभी जो है ना मैं फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूँगी और बच्चों को भी नहलाऊँगी। अच्छा बच्चे जो है ना रोज़ाना नहाते हैं और फ्रेश ऐसे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों नहा धो के। हुसैन इधर देखो, हुसैन आप भी करो ऐसे, हसन अब नहीं करो, दिखाओ हुसैन, हुसैन हाय करो मम्मा को, हाय इधर देख के, हाय हाय मेरा बेटा, ये मेरा प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा लो मम्मा ने बंद कर दी, तो प्यारा बच्चा है मेरा शहजादा बेटू जी। आज कह रहा आ जाओ, आओ बाहर आ जाओ, आ जाओ आओ, चीज दूंगी। बाय बाय हुसैन, बोल पानी में बोल डाल दिए हैं। ये एसी का पाइप क्या टूटा है, हमारे यहाँ तो बाल्टी लगने लग गई है, देखें आप। वो इसमें पानी डाल देते हैं हुसैन, पानी में सारी चीजें। हुसैन क्या कर रहे हो, क्या इधर देखो जी, इधर देखे मेरी साइड, मम्मा की साइड तो देखें आप। ओलो अपने सारे टॉयज इसमें डाल के खुश हो रहे हैं। हुसैन नहीं करो पानी में, अभी कभी नहलाया है मैंने, गंदा पानी है। बोल। और जब तक मैं बच्चों को नहला वगैरह रही थी, जब तक फिर मैंने उसके उनको फ्री करने के बाद किचन में आई, किचन समेटा और यहाँ जो है ना मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए और साथ ही मैंने देखा कि गोश्त भी जो है वो गल गया है। अच्छा यहाँ ना एक नली भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी, उससे जो है ना बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ जो है ना इसका मसाला बन रहा है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से गोश्त गलना चाहिए। आलूओं को भी मैंने एक बॉयल दे दिया है कलर के पानी में डाल के, उससे जो है ना आलू बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर का रायता बनाया है जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हरे धनिए को मैंने कुचल लिया है और ऊपर से भी थोड़े से जो है ना उसके पत्ते जो है ना वो क्रश करके डाल दिए हैं। अच्छा अब जो है ना मैं बिरयानी में तेह लगाऊंगी और साथ ही साथ एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कुछ लोग मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आते कि ऐसे कौन लोग होते हैं कि आप ओवर हैं, आप ऐसी हैं। मैं जो हूँ वो ऐसी ही हूँ मैं, मतलब ना मैं ओवर हूँ ना मैं किसी को कुछ कह रही हूँ और सबसे बड़ी बात मैं सबके साथ मुखलिस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखती हूँ, मैं कोई इस तरीके से कोई किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा बर्दाश्त दी है और एक बहुत अच्छा हुनर दिया है जो कि मैं हंस के सह लेती हूँ। लेकिन जब कोई मेरी वालदेन पे आता है, मुझे किसी बात पे इस तरीके से कोई ताना देता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन यकीन करें मैं वो बात भी जो है ना बड़े खूबसूरती से उसको सह लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपना पर्सनली बात बता रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को अपने लिए कुछ कहूँ कि काइंडली ऐसा ना करा करें। और अगर जो कहते भी हैं ना तो यकीन करें मैं थोड़ी सी देर उनको सोचती हूँ और फिर जो है ना उनके लिए मैं सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास इतनी अच्छी कॉमेंट्स हैं आती हैं, बाकी इतने अच्छे लोग हैं, मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं जो मेरा इतना साथ देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो उनके लिए ये एक दो चंद इक्का का कोई आ जाए, कोई बात कह दे तो वो मैं फिर इग्नोर में ही जाता है क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखती फिर। लेकिन यकीन जानिए मैं जो हूँ ना, मैंने कभी भी किसी को, मैं अपनी जानिब से कोशिश करती हूँ कि किसी को तकलीफ़ ना दूँ, ना किसी पे बर्डन डालूँ और ना ही किसी को परेशान करूँ। अपनी जानिब से मेरे से जितना होता है ना मैं उतना कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए अच्छा करूँ। तो बस ये जो है ना ये इंसान के अपने अंदर होता है कि इंसान क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता और क्या चीज़ चल रही है उसके दिमाग के अंदर, वो इंसान अपने आप में होता है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हुनर मुझ में दिया है कि अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना, मतलब मैं सब तरफ देखती हूँ और माशाल्लाह सबका साथ देती हूँ। ऐसा नहीं करती कि जो है ना अलग अलग होके बैठ जाऊँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारा जो है ना अपने अंदर से बनाया है। और साथ ही साथ मेरी माँ ने जो है ना मेरी बहुत
बहुत प्यारी तरबियत भी करी है, जिससे ना मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि बेटा खुद तकलीफ़ उठा लेना, कभी किसी को तकलीफ़ मत देना। तो ये बहुत एक बड़ा मैसेज है मेरे लिए, जो मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है कि यार मैं क्यों कैसे किसी को तकलीफ़ दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती। इसीलिए जो है ना, आप लोगों को भी चाहिए कि आप जो है ना अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी सुकून आए और खुश रहें, किसी को देख के खुश हुआ करें, ना कि जेलस हुआ करें। तो बस ये है कि मेरी एक छोटी सी एक यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग खुश रहें, और अपनी ज़िंदगियों में खुशी लाने के लिए सबसे मेन यही होता है कि आप किसी दूसरे को भी खुश देख के खुश हों और उसे दुआ दें। सबसे मेन बात यही होती है, जब आप किसी के लिए दुआ देते हैं तो अल्लाह ताला वो आपके हक में कबूल करते हैं। तो यहाँ मैंने चावलों के अंदर जो है ना तमाम चावल डाल के उसको मिक्सअप कर दिए हैं, ताकि अच्छे से उसके अंदर तेल लग जाए। अच्छा, पहले मैं मिक्स नहीं करती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने इस बार मिक्स करके बिरयानी बनाई है। ऊपर से रंग वगैरह डाल के इसको ना मैं नीचे तवा लगा दूंगी, ताकि अच्छी तरीके से इस पर दम लग जाए, और तवा जो है ना पहले गरम कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अच्छा जी, तो ये बस ये मोहब्बतों वाली बातें होती हैं, ये खूबसूरत दिल वाली बातें होती हैं, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत प्यारे दिल हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, जो इतना प्यार से प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मसरूफियत की वजह से मेरा व्लॉग कम कम आता है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए बिरयानी जो है वो बन चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार लजीज बिरयानी बनी थी, और भाई बहुत अच्छी बनी थी, खुशबू भी ऐसी ज़बरदस्त आ रही थी कि क्या बताया जाए। अच्छा, निकालते वक्त ना हुसैन मेरे साइड में खड़े होकर मेरी शर्ट खींच रहा है, अगर आपको खैर अभी नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि कैमरा मैंने बिरयानी की तरफ किया हुआ है, लेकिन हुसैन जो है ना इस वक्त मेरी शर्ट खींच रहा था, और देखिए इस चक्कर में मुझसे थोड़े से चावल गिर भी गए। तो बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे डर ये था कि कहीं गरम चावल उसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उसके ऊपर आ गए तो मसला होगा। तो खैर, यहाँ जो है ना हम लोग निकाल रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि मैंने बीफ में बनाई है आज, और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये ते वाली बिरयानी होती है और बहुत मज़े की लगती है, साथ ही मैंने रायता सैलेड वगैरह बनाया है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये देख रहे हैं चावल कैसे खिले खिले बने, मज़ेदार से ग्रीन कलर का रायता जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आप बाहर जाएंगे ना तो बाहर आप देखेंगे वो जो छोटे छोटे पोर्ट्स में मिलता है ना, वो इसी तरीके का रायता होता है, और शादी वगैरह में भी इस तरीके का रायता मिल रहा होता है। तो खैर, अब ना खाना वगैरह बना के नमाज में अदा करूँगी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हर वक्त करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, हमें आँखें दी हैं, हमें हाथ दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, हमें ज़बान दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतना अच्छा घर दिया है, तो अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि हमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो जी बाहर चलते हैं बच्चों को लेकर, काफ़ी दिन हो गए बच्चों को कहीं बाहर लेकर नहीं गए, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ तो जी चलते हैं। अच्छा, जब भी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हाँ हाँ जी जी बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो बस इसीलिए जो है ना मैं अपने बच्चों को लेकर जो है बाहर जा रही हूँ। अच्छा, जाओ आओ, जाओ दो उनको, दो ये ले ले। आओ हुसैन, हुसैन को डरना, हुसैन बाबा बुलाए, गोरिल्ला इसको भी बिठाएं, इसको भी। अच्छा, ये जो है ना हमारे घर के करीब ही खुल गया है, टोकन वाले झूले जो होते हैं ये। अच्छा, ये जो बनमानस आपको दिख रहा है ना, हमारे बचपन में भी था डोली लैंड में, अगर कोई हैदराबाद में रहता है और उसको पता है कि पहले यहाँ डोली लैंड था और इस तरीके का बनमानस था, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं जो है ना पहले उस बनमानस से इतना 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 डरती थी, मैं बस बता नहीं सकती। मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे और मैं चीखें मारती थी, जैसे अभी जो है ना हुसैन की हालत है ना, हुसैन डर रहा है, मैं इससे ज़्यादा उस बनमानस से डरती थी, बाकी किसी झूले से नहीं डरती थी, सिर्फ उससे जो है ना मुझे डर लगता था। अच्छा, यहाँ एक सॉफ्ट प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकते हैं, तो यहाँ हसन भी गया हुआ था और हुसैन यहाँ भी जाने में डर रहा था, तो बस थोड़ी सी देर के लिए अंदर गया और वापस बाहर आ गया था। ये देखिए कितना इन्जॉय कर रहे थे हसन अली, और हुसैन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना घबरा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना उसको इन्जॉय करना भी नहीं आया है। अच्छा, यहाँ जो है ना एसी भी चल रहा था और बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये प्ले एरिया लगा मुझे, बहुत बच्चों ने इन्जॉय किया माशाल्लाह से।
आसान। हाँ ये दूर हो गया, दूर हो गया। ओए होए ठग गया मेरा टुनटुना। असन ऊंट पे बैठ के तस्वीर तो बनवा लो, ला मैं खोलूं, ला मैं दूं। अच्छा जी, वहाँ झूले जहाँ लगे हुए थे ना टोगिन वाले, उसके करीब ही जो है ना यहाँ पर है एक पिज़्ज़ा जोन वगैरह जो है ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी यहीं बैठ जाते हैं, फ्रेश एयर हो रही है और हवा खाते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद जो है ना बच्चों ने पानी वानी पिया और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ हुसैन इतना कोई तंग कर रहा था, और मेरे हस्बैंड भी जो है ना, आप लोग कहते हैं कि ये हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, बस ये इतना ही बोलते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो यही इनकी जो है ना आदत है। तो खैर ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा अब हम घर ला के खा रहे हैं। हुसैन और जो यहाँ जो है मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हम कर रहे हैं इंजॉय, और बस ये था आज का व्लॉग। और जी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, साथ ही साथ अगर जिसने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा वो मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।